ज्येष्ठ नागरिक अघाड़ी पूर्व नागपुर भाजपा रत्नदीप नंदन वन हनुमान व्यायाम शाला और स्वामी विवेकानंद कला योग युवक की क्रीड़ा मंडल की ओर से जिन नागरिकों ने अपनी आयु के 75 साल पूर्ण कर लिए हैं ऐसे ज्येष्ठ नागरिकों का आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्कार किया गया। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में विविध जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत ज्येष्ठ नागरिक अघाड़ी पूर्व नागपुर भाजपा रतनदीप नंदन वन हनुमान व्यायाम शाला और स्वामी विवेकानंद कला योग युवक क्रीड़ा मंडल की ओर से जिन नागरिकों ने अपनी आयु के 75 साल पूर्ण कर लिए हैं ऐसे ज्येष्ठ नागरिकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सत्कार किया गया। इस दौरान ज्येष्ठ नागरिकों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया गया। ऐसी जानकारी ज्येष्ठ नागरिक अघाड़ी पूर्व नागपुर भाजपा के अध्यक्ष शंकर राव गायधनी ने दी। नितिन गडकरी साहबानी वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे तर पहिले अभिनंदन करतो। त्यांनी आम्ही 4 महिन्यापासून त्यांच्या तारखेसाठी लागलेलो होतो। विशेषता म्हणजे आमचे तिळगुळेंना माहिती आहे कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत ते आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडून जे त्यांना हे मिळत होतं मानधन ते दीड वर्षापासून मिळत नाही तो एक प्रश्न होता। दुसरा प्रश्न असा आहे रत्नदीप नंदन व्यायामशाळेला साहेबांनी जागा मिळून दिली होती 1984 त्या जागेचा आम्हाला विकास करायचा होता। त्या विकासामध्ये 5,000 स्क्वेअर फूटच्या इंडोर निरनिराळ्या खेळाचे प्रशिक्षण आणि खेळाचा प्रसार व्हावा आणि युवा शक्ती निर्माण व्हावी म्हणजे स्वामी विवेकानंदांनी जे युवकांना प्रेरणा दिली। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस समारोह के जरिए ज्येष्ठ नागरिकों को जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने का प्रयत्न किया गया जिसमें राज्य शासन की ओर से ज्येष्ठ नागरिकों को जो अनुदान मिलता है वो 1.5 साल से नहीं मिला ऐसे कई मुद्दों का समावेश था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN News नागपुर।